सिकंदरा स्थित कृष्णापुरम में आरफ फिल्म प्रोडक्शन हाउस का शुभारंभ हो गया है। इसका बॉलीवुड अभिनेता शहबाज खान और अभिनेत्री श्वेता ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान अभिनेता और अभिनेत्री ने अपने आने वाली फिल्मों के बारे में भी जानकारी दी। सिकंदरा स्थित कृष्णापुरम पर आरफ फिल्म प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की गई। शुभारंभ बॉलीवुड अभिनेता शहबाज खान, अभिनेत्री श्वेता खंडूरी ने फीता काट कर किया। मीडिया से रूबरू होते हुए शहबाज खान और श्वेता खंडूरी ने अपनी आगामी वेब सीरीज और फिल्म के बारे में बताया। पहले तो आगरा के तमाम रहने वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे साथ नेताजी भी हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत खुशी होती है आगरा आकर। आगरा जो है अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से या वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बहुत कम शहर ऐसे बचे हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर पुराने संस्कार और पुरानी जो है हिस्टोरिकल सिटीज़ जो हैं बहुत कम बच गई हैं। जैसे उसमें आगरा भी एक है, तो मैं आगरा जब भी आता हूँ मुझे नहायत ही खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। यहाँ के लोग, यहाँ के व्यंजन और यहाँ का जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं सब कुछ कमाल है, मतलब कला की एक मिसाल है। तो आगरा जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हिंदुस्तान में जो चंद शहर हैं जो मेरे दिल के, आरओ फिल्म्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से कम 5-1 साल तो हो गए। और आरओ फिल्म्स के जो डायरेक्टर हैं, हमारे डायरेक्टर हैं अखिल पराशर साहब, इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये सामने बैठे हैं, इसलिए बहुत पैशनेट है, बहुत ही पैशनेट, मतलब इतना दीवानगी की हद तक कला का प्रेमी है ये इंसान, और कला के क्षेत्र में कुछ करने का बहुत लालसा है। तो मैं जब पहली बार इनसे मिला था तो मैंने देखा था यार ये बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही पैशनेट बंदा है। और हम लोगों ने साथ में एक फिल्म भी प्लान की जो अभी बनेगी डेफिनेटली, धनंजय, थोड़ा प्रोजेक्ट आगे गया है, और गाना भी हम लोगों ने शूट किया, साथ में काम किया। इनसे मुलाकात मेरी बम्बई में होती रही है, घर आते थे तो इनसे जो आइडियाज़ की शेयरिंग होती रही, तो मुझे इनका बड़ा पैशन जो है वो बहुत पसंद है। OTT ने तो भाई हमको संभाला है, जब हम लोग सब 7-8 महीने लॉकडाउन में बैठे थे, लगभग 2 साल, तो OTT ने तो हमको संभाला है, हमको एंटरटेन किया। तो OTT एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद, और OTT इज हेयर टू स्टे। OTT चलता रहेगा, OTT पे, और बहुत सारे ऐसे कलाकारों को OTT में काम मिला है जो लोग जिनको फेम नहीं मिल पाया था, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको OTT पे की वजह से ख्याति हासिल हुई है। शर्मा जी के बाद एक और आ गई थी मेरी वन स्टॉप फॉर लव Z5 में, एंड और भी काफ़ी हैं। अभी मेरा रीसेंट एक सॉन्ग था छम्मो जो 25 मिलियन कर चुका है। अभी जो मेरी नेक्स्ट रिलीज है वो हस्तिनापुर है, पॉलिटिकल बेस्ड है, और एक लव एंगल है जो दूसरी सीरीज़ है, उसका नाम है दिल्ली वाला दिल। तो दो बहुत डिफरेंट सीरीज़ हैं जो मेरी अभी आने वाली हैं, इसमें दो बहुत डिफरेंट किरदार हैं। दिल्ली वाला दिल जैसे बोलता है कि दिल की कहानी है, और हस्तिनापुर पूरा पॉलिटिकल बेस्ड है। तो ये दो अभी आने वाले हैं, एंड दैट्स अबाउट इट राइट नाउ। पॉलिटिकल बेस आपकी फिल्म आ रही है, आप खुद स्पोर्ट्स और एनिमल लवर हैं। हाँ जी। तो ऐसे में किरदार निभाने में क्या क्या नहीं किरदार, हम एक एक्टर हैं, और जितना डिफरेंट किरदार हमें प्ले करने के लिए मिलेगा उतना हम करेंगे, और यही एक खूबी है हमारे प्रोफेशन में कि चाहे आप वो हो रियल लाइफ में नहीं हो, आपको अलग अलग किरदार मिलते हैं प्ले करने के लिए। सो डेफिनेटली होमवर्क होता है, बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अलग अलग किरदार ही मिले ताकि मैं अपने एक्टिंग टैलेंट को और दिखा सकूँ। आरफ फिल्म प्रोडक्शन के निर्देशक अखिल पाराशर ने बताया कि आगरा मंडल के स्थानीय युवा कलाकारों के लिए पहला प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, जहां सिंगिंग, एक्टिंग, एडिटिंग से लेकर फिल्म प्रोडक्शन संबंधित तकनीकी सभी व्यवस्था उपलब्ध है। यहां स्टूडियो में फिल्मी गानों, एड फिल्म, न्यूज रूम, रील आदि की भी सुविधा है। ये खाली के स्टूडियो नहीं है, ये पूरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पूरा पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर के
प्री प्रोडक्शन तक पूरा कंप्लीट हो या काम होने वाला है, क्योंकि हम लोग मुंबई जब जाते हैं तो काफ़ी खर्चा आता है, कुछ भी छोटा मोटा बना रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं, तो वहाँ जो पोस्ट प्रोडक्शन का जो खर्चा आता है ना, वो बचाने के लिए अगर आगरा में कोई ऐसी संस्था बनती है और वो सारी फैसिलिटी यहाँ लेकर के आती हैं, तो वो पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, और आगरा तो वैसे ही पूरा यूपी जो इस समय माहौल है या जो फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का पूरा इंतजाम किया गया, अब तो आने वाले समय में OTT पर भी, वेब सीरीज पर भी सब्सिडी मिलने वाली तरफ से सरकार में, तो बाहर से काफ़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर रहे हैं फिल्म बनाने के लिए, शूटिंग करने के लिए, तो उनको अगर यहाँ वो सुविधाएं मिल सकती हैं जो बॉम्बे में हैं या साउथ में हैं, तो उसी उद्देश्य से एक प्रोडक्शन हाउस का निर्माण कर रहा हूँ मैं यहाँ, और अच्छे आर्टिस्टों के लिए भी ये इंस्टीट्यूट आर्टिस्टों को ट्रेनिंग करेगा, और वो ट्रेनिंग सिर्फ एक एक्टिंग सीखने के लिए नहीं, वो पूरी फिल्म बनाने की ट्रेनिंग होगी कि फिल्म बनती किस तरीके से है, कि एक्टर को किस तरीके से काम करना है। मैं देता हूँ अखिल पारा सर को, उनके सभी सहयोगियों को, कि जैसा कि आपको बताया कि एक छत के नीचे जो बॉम्बे में जिन कलाकारों को, छोटे मोटे कलाकारों को जिनके अंदर टैलेंट था, वो टैलेंट आगे आ नहीं पाता था, वो आगरा में रहते थे, आसपास क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, उनको अपने टैलेंट को आगे लाने के लिए अच्छी व्यवस्था की है, इसलिए मैं इनके सहयोगियों सबको बधाई देता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर आगे चले हैं उस उद्देश्य में अपने सफल हों। साथ ही साथ में जो बॉम्बे से कलाकार आए हैं, अरबाज खान जी और श्वेता जी, सॉरी शहबाज खान जी और श्वेता जी, और उनके तमाम सहयोगी अभी आगरा के होने के नाते इनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जल्द ही 4 माह और 1 वर्ष के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। सीखे हुए कलाकारों को आगामी हॉरर फिल्म में और आगरा में शूट होने वाली फिल्मों में काम करने का मौका दिया जाएगा। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।